नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आपका आपके अपने चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शनिदेव 29 सितंबर से एक बार फिर से मार्गी हो रहे हैं, मतलब डायरेक्ट हो रहे हैं, और शनि के इस मार्गी गोचर का किस राशि पर क्या प्रभाव होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैंने शनि की साढ़े साथी से संबंधित कुछ उपाय भी बताए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, नवग्रहों में शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनकर सभी के मन में एक बार डर आ ही जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि शनि देव से ज़्यादा न्यायधर्मी ग्रह कोई है ही नहीं। शनि का प्रभाव जब भी आपके जीवन पर होता है तो पहले भले ही आपको थोड़ा सा तपा दें, लेकिन उसके बाद आप खरा सोना बनकर निकलते हैं। वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। वो न्यायाधीश हैं और इसका तात्पर्य ये है कि वह आपको सुधारते हैं, आपकी कमियों को दूर करते हैं और अंततः वह आपको एक सुखी और सुंदर जीवन देकर जाते हैं। जो लोग अपने जीवन में न्यायप्रिय हैं, गरीबों के प्रति प्रेम रखते हैं और असहायों की सहायता करते हैं, शनिदेव उनके लिए सदैव आशीष ही बरसाते हैं। दोस्तों, आने वाली 29 सितंबर को नवग्रहों में न्याय के देवता शनिदेव अपनी सब राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, और इसी वर्ष शनिदेव मकर राशि में लगभग 30 वर्षों बाद आए थे और 11 मई से शनिदेव वक्री हो गए, और ये कई सारी दृष्टियों से शुभ नहीं था। शनिदेव रेल, हवाई जहाज, पुल, शोध कार्य, चिकित्सा कार्य क्षेत्र आदि में अपना काफ़ी प्रभाव रखते हैं, और न्याय व्यवस्था तो पूरी तरह से शनिदेव के जिम्मे ही आती है। शनिदेव की चाल की वजह से ये सभी क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए, अशुभ स्थिति का सामना करना पड़ा, परंतु शनिदेव एक बार फिर से मार्गी होने वाले हैं तो धीरे धीरे सभी चीज़ें वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगी। आइए अब एक एक करके जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए शनि का मार्गी गोचर क्या प्रभाव और फल देने वाला है, और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए गोचर कार्य की सफलता और लाभ के योग बना रहा है। अगर मेष के लगन या राशि के लोग कर्मठता के साथ श्रम करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा, ऊंचा पद प्राप्त होगा। शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर शनिदेव आपको व्यापार नौकरी में लाभ देते दिख रहे हैं। वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है ये भाग्य उदय लेकर आएगा। पिता से संबंध मधुर होंगे, संबंध अच्छे होंगे और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कर्म क्षेत्र प्रबल होगा। लोगों से आप बेवजह ना उलझें, अपनी वाणी और व्यवहार पर आपको संयम रखना होगा। आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, परंतु आप उनको उकसाने का प्रयास भी ना करें। अपने खान पान पर ध्यान दें और पौष्टिक और सुपाच्य भोजन ही लें। मिथुन लगन या राशि के लिए ये जो गोचर है ये ज्ञान और उच्च शिक्षा के संकेत लेकर आया है। पराक्रम भाव मजबूत हो रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपको अधिक मेहनत करनी होगी, थोड़े से एफर्ट बढ़ाने होंगे, लेकिन मेहनत करने पर भाग्य का साथ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। जमीन संबंधित विवाद के निपटारे के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वाणी कठोर हो सकती है, अतः संयम रखें और संतान के लिए समय जो है वह शुभ रहे। ज्ञान में वृद्धि होगी। आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकती है क्योंकि आप पर शनि की ढिया चल रही है, तो इसलिए अपना मन शांत रखें। हनुमान चालीसा और शिव जी की पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। गरीबों और असहाय लोगों की भी सहायता करें और उनके प्रति दया भाव रखें। कर्क लगन या राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, विशेषकर व्यापारिक दृष्टिकोण से। सुख में वृद्धि होने के संकेत हैं, और यदि आप मकान निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो उस नज़रिए से भी समय आपके लिए शुभ रहेगा, और यदि आप शनि की दशा और अंतर दशा में हैं तो समय आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। सिंह लगन या राशि के लिए ये जो गोचर है ये शुभ रहने वाला है। शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। जीवन में आपको उन्नति मिलने वाली है और आपके पराक्रम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे या रिस्क लेंगे तो आपको उसी हिसाब से लाभ भी प्राप्त होगा। भाइयों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और आपके अंदर ओवरऑल जो आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर वृद्धि होगी, उसके अंदर सुधार आप महसूस करने वाले हैं। कन्या राशि या लगन के लिए जो गोचर है ये ज्ञान संतान की दृष्टि से काफ़ी शुभ है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है, अतः प्रेम भाव बनाए रखें, अपना व्यवहार और वाणी पर संयम रखें।
आर्थिक लाभ के संकेत हैं। कर्म क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टरी या इंजीनियरिंग क्षेत्र में या परिवहन या पुल निर्माण आदि जो बिजनेस हैं उनके अंदर बहुत अच्छे लाभ के संकेत हैं, परंतु निवेश करते समय आपको अतिरिक्त सचेत रहने की भी ज़रूरत है। तुला राशि या लगन के लिए ये समय अत्यंत शुभ होने वाला है। शनिदेव आपके भवन, वाहन और पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी करेंगे। कर्म क्षेत्र को भी ये प्रबल करेंगे, परंतु प्रयासों की अधिकता भी देंगे। ज्ञान और उच्च शिक्षा के लाभ दिख रहे हैं। आप अपने स्किल सेट को अवश्य बढ़ाएं। आर्थिक लाभ का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब खास तौर से तेल से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका सेवन ना करें, मतलब अधिक तला हुआ भोजन जो है वह ना लें, और अपने आप को किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से भी दूर रखें, क्योंकि आप शनि देव की दया के प्रभाव में हैं। इसलिए पूरी लगन से मेहनत करें और किसी भी असहाय का दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं। यदि संभव हो तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनकी सहायता भी आप अवश्य करें। वृश्चिक राशि या लगन के लिए शनिदेव का गोचर आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा। भाइयों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। पार्टनर से मधुर संबंध बनेंगे और कर्म क्षेत्र भी काफ़ी प्रबल रहेगा, परंतु प्रयासों की अधिकता रहने वाली है। तो इसलिए जो भी कार्य करें उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें। पूरी नियत के साथ अपना सहयोग अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ाएं। आपको आपकी मेहनत के जो फल हैं वह आने वाले समय में अवश्य मिलेंगे। माता और परिवार का सुख भी आपको भरपूर मिलने वाला है और इनकी तरफ से आपको सहयोग की प्राप्ति भी होगी। धनु राशि या लगन के लिए ये जो गोचर है ये धन में वृद्धि कराएगा। आप धन का संग्रह कर पाएंगे, अर्थात आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें बढ़ोतरी के संकेत हैं। संपत्ति अर्जित करने में भी आप कामयाब रहेंगे। धन आगमन के शुभ योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। घर में शांति बनाकर रखें। मानसिक तनाव से आप अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। मेडिटेशन का सहारा लें, क्योंकि आप साढ़े साथी के प्रभाव में हैं, तो इसलिए आपको हर रोज़ हनुमान जी और शिव जी की पूजा करनी चाहिए और जब भी संभव हो बुजुर्गों की सेवा करें। विशेषकर अपने माता पिता का पूरा सहयोग करें। किसी भी तरह का ईगो या एटीट्यूड उनके साथ ना रखें। पूरे सच्चे दिल के साथ उनकी सेवा करें और जब भी समय हो असहाय लोगों की भी सहायता करें। मकर राशि या लगन के लिए जो गोचर है ये अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। शनिदेव आपके लगन में विराजमान होकर शश योग बना रहे हैं। आपके पूरे व्यक्तित्व को एक नई ऊर्जा देने वाले हैं। व्यापार में उन्नति होगी और यदि आपके अपनी लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह के मतभेद हैं या आप किसी तरह की डिस्प्यूट में हैं तो थोड़ा सा प्रयास इस तरफ अवश्य बढ़ाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। परिवहन, लोहा, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी इत्यादि कार्यों में भी आपको लाभ होगा, क्योंकि आप साढ़े साथी के प्रभाव में हैं तो थोड़ी सी मानसिक चिंताएँ आपको अवश्य रह सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन अवश्य करें और भगवान की पूजा पाठ अवश्य करें। विशेषकर हनुमान जी और शिव जी की आराधना करें और यथासंभव और अपने यथासामर्थ्य के अनुसार कमज़ोर लोगों की सहायता भी अवश्य करें। कुंभ राशि या लगन के लिए जो गोचर है ये खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि लेके आ सकता है, इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करें और कोई भी चीज़ खरीदते समय उसकी ज़रूरत को आप जरूर आँखें। हालांकि यदि शनिदेव खर्चा कराएंगे तो रुपये पैसे का भी इंतजाम देंगे, मतलब आपकी आय वृद्धि भी देंगे। ये माह आपको वाणी में थोड़ी सी कठोरता दे सकता है, तो इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें और किसी से बेवजह बोलिए नहीं। आपको आपके पिता और भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य में वृद्धि होगी और व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। पति पत्नी का सहयोग एक दूसरे को मिलने वाला है। संबंध अच्छे होंगे और दवाइयों के व्यापार में विशेषकर लाभ के योग हैं। आपकी राशि पर इस वर्ष साढ़े साथी का प्रभाव है, तो अतः हनुमान जी की और भोलेनाथ जी की पूजा करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मीन राशि या लगन के लिए ये जो गोचर है ये आर्थिक लाभ देने वाला साबित होगा। शत्रु पराजित होंगे, मतलब आप अपने शत्रुओं पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी रहेंगे। और यदि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसके लिए आपकी काफ़ी सारी ऊर्जा उस तरफ जा रही है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी रिसर्च पूरी हो सकती है। भाइयों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और संतान सुख के भी योग हैं। विदेश यात्रा का योग बन रहा है और विदेश से लाभ का योग भी बन रहा है, परंतु वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए ही किसी तरह की यात्रा को प्लान करें। आइए अब साढ़े साथी से संबंधित कुछ उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। जिन मित्रों पर
साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, वो कमजोर लोगों की सहायता अवश्य करें, उन्हें कभी भी ना सताएं। शनि दास वर्ग के कारक हैं। अगर आप कमजोर लोगों से लाभ लेने की कोशिश करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उन्हें सताएंगे, तो वह आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। और वहीं आप उनसे यदि प्रेम करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो शनि देव भी आपसे प्रेम करेंगे। हनुमान जी की पूजा करें, आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि साढ़े साथी में शनिदेव आपकी चंद्र राशि से होकर गुजरते हैं, तो इसलिए इससे आपका मन काफ़ी प्रभावित रहता है। सब कुछ होते हुए भी कई बार जीवन के अंदर चिंताएं ऐसी रहती हैं कि जो सुख होते हैं उनका पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को प्रबल करने के लिए शिव जी की पूजा करें। इससे आपका चंद्रमा और आपका मन दोनों मजबूत होंगे, आप मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। और इस समय अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही लाभ भी शनिदेव आपको देंगे। शनिदेव न्याय प्रिय हैं और ये आपके साथ न्याय करेंगे, आपको आपके कर्मों के फल भी अवश्य देंगे। और शनि की सुकृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।